माता के महान सपूत और महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर चौधरी साहब को देश की सेवा के लिए, अन्नदाता किसानों के जीवन में किए गए उनके प्रयासों के लिए स्मरण करते हुए, नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही थी, और उस समय जब आबादी भी कम थी और वे स्वयं उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई लॉ से की थी, लेकिन किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते उनका बहुत सारे मुद्दों पर बहुत स्पष्ट था, स्पष्ट राय थी कि जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब की बातें थी। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलियान से होकर के गुजरता है, या जागरूक जनशक्ति ही सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है, और इसके लिए उन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम और रिफॉर्म करने के समय वे आगे बढ़े। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करने के लिए मंडी बिल पारित कराने का कार्य हो, उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन की प्रमुख भूमिका हो, लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंडों को भू राजस्व के भुगतान से छूट दिलवाने का मामला हो, उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराने का मामला हो, या काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हो, या फिर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, जैसे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जो चौधरी साहब ने अपने समय में किसानों के साथ जुड़कर के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में कार्यरत थी, उस दौरान चौधरी साहब के इन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मना सकें, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज ये अपनी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अच्छे प्रशासक थे और एक महान किसान नेता भी थे। आज उनकी 121वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर उनके स्मरण को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने, किसान की उपज को सुरक्षा की गारंटी देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हो, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम, हर खेत तक पानी पहुंचे,
अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को एमएसपी का ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अब तक 15 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमारे अन्नदाता किसानों के पास पहुंच चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है और बिना भेदभाव के पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारे रिफॉर्म करते हुए कृषि को भी हम लाभकारी बना सकते हैं। आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश की दिशा से ही अगर हम देखेंगे, लगभग 22 से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो हमने सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा दी है। ढेर सारे कार्य किस पे किए जा रहे हैं, अभी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर, भाइयों बहनों, जो पैसा जितना कभी नहीं मिला उससे कई गुना पैसा अधिक लाभ, 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, केवल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। धान और गेहूं की सीधे खरीद और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से देंगे, यह भी पहली बार देखने को मिला होगा। आज खेती को अगर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सही तरीके से आगे लेकर के करता है, अब वह घाटे का सौदा नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की स्कीम उसका संबल बनती है, उसके स्वावलंबन का आधार बनती है। और इसी में श्री अन्न की दृष्टि से जो कार्यक्रम हुए हैं वो अलग है और नेचुरल प्राकृतिक खेती अलग है। प्राकृतिक खेती में हर मंडी में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में, हर कृषि विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेशन की कार्रवाई हो और उसका ज्यादा दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, जहां इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मोटा अनाज के माध्यम से, श्री अन्न के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने 2023 का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि से मिलेट वर्ष घोषित करते हुए इसकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग भी की, एक मार्केटिंग की व्यवस्था मिले, यहां के अन्न को दुनिया के अंदर भी स्थान मिल सके, इसकी व्यवस्था भी। और अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किसान मित्र के रूप में ऐप के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, यह एक एप्लीकेशन हम लोगों ने भी यहां पे लॉन्च किया है। यानी किसान की हर क्वेरीज का जवाब केवल उसके स्मार्टफोन से ही प्राप्त हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, आपने देखा होगा अभी हर ग्राम पंचायत के लिए और आगामी कुछ समय के बाद के साथ 2 करोड़ ड्रोन दीदी तैयार होनी है, महिला स्वयंसेवी समूह के हाथों में, गांवों में अब तक जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड, जो दवा छिड़काव का कार्य अब तक व्यक्ति हाथ से करता था, मैन्युअली करता था, अब ड्रोन, जिसमें किसान को 1 घंटा से ज्यादा समय 1 एकड़ खेती में लग जाता था, अब 1 घंटे में वह 100 एकड़ खेती के लिए अकेले ड्रोन से ही 1 घंटे में उसने में दवा का छिड़काव या खाद का छिड़काव या पेस्टिसाइड का छिड़काव अपने खेत में करवा सकता है, अगल बगल करा सकता है। एफपीओस के क्षेत्र में हम सामूहिक रूप से मिलकर के न केवल खेती बाड़ी को बल्कि इसके माध्यम से फूड प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं। और यही नहीं, वेयर हाउस के निर्माण करके अगर मार्केट में दाम कम है तो हमारी उपज हमारे वेयर हाउस में रहेगी, और जब मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा,
हम अपने गोदाम से सामान निकाल करके मार्केट में उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भी एफपीओस के माध्यम से हर विकास खंड स्तर पर वेयरहाउस निर्माण की कार्रवाई के साथ साथ इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ढेर सारे कार्यक्रम चले हैं। पहली बार आपने देखा होगा, अब तक तो मनुष्यों की ही जांच होती थी, अब तो मनुष्य के साथ साथ जिस धरती माता के द्वारा हमारा पेट भरने के लिए और हमारी जीविका को चलाने के लिए अन्न उत्पन्न किया जाता है, उस धरती माता की सेहत की भी देखभाल होगी। प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड इसका उदाहरण है। हर स्तर पर रिफॉर्म करने के प्रयास हुए हैं, नए कार्यक्रम हुए हैं, और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जिन किसानों का सम्मान किया गया है। सचमुच अभूतपूर्व कार्य किया हमारे किसानों ने। मैं भी देख रहा था, गेहूं उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं श्री वीरेंद्र सिंह रायबरेली से, इन्होंने प्रति हेक्टेयर 88 कुंतल गेहूं का उत्पादन किया है। 88 कुंतल। मोलहे राम, इन्होंने 84 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है। और हरिराम या अंबेडकर नगर से हैं, इन्होंने 78 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का उत्पादन अपने खेतों में किया है। चना में श्री सोनू पटेल, ये ललितपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने 46 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्री राजेंद्र सिंह, ये ललितपुर के ही रहने वाले हैं, इन्होंने 43 कुंतल। और श्री मनसाराम, इन्होंने 42 कुंतल प्रति हेक्टेयर चना का उत्पादन किया है। ऐसे ही मटर में श्री प्रमोद कुमार, ये ललितपुर के हैं, इन्होंने 55 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्री भरत सिंह पटेल, इन्होंने 54 कुंतल प्रति हेक्टेयर। और श्री राजा सिंह, इन्होंने 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर मटर का उत्पादन किया है। ऐसे ही धान में, यानी इसमें दलहन और भी हैं, तिलहन भी हैं, राई में, जैसे राई में राधे श्याम हैं बरेली के, इन्होंने 46 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्रीमती राम बेटी, इन्होंने 45 कुंतल प्रति हेक्टेयर। श्री विजय कुमार, इन्होंने 38 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है। धान में अगर आप देखें, श्री जयराम सिंह रायबरेली के हैं, इन्होंने प्रति हेक्टेयर 110 कुंतल का उत्पादन किया है। शत्रुघ्न लाल यादव, इन्होंने 105 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया है। और श्री बद्री प्रसाद हैं, इन्होंने 95 कुंतल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन किया है। मकई में भी, अरहर में भी, और ऐसे ही उड़द के उत्पादन में, तिल के उत्पादन में अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया है। और उसी का परिणाम है कि अन्नदाता किसानों को अभी यहाँ पे सम्मानित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी, जब मैं उनके मुंह से सुन रहा था उनकी बात को, उनकी सफलता की कहानी को। और मुझे लगता है कि इन सफलतम किसानों के खेत की फोटोग्राफी लेकर के, इनके कार्यक्रम जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्रों में इनकी बात को लेकर के, इनकी बात का वहां पे किसानों के बीच में इनका उद्बोधन कराया जाना चाहिए, इनके अनुभव का लाभ वहां पे देने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश भर का किसान इस दिशा में प्रयास करके वह भी अच्छा, कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सके, इस दिशा में वे प्रयास कर सकेंगे और उस दिशा में एक अच्छा कार्य हो सकता है। ऐसे मिलेट के लिए भी, श्री अन्न के लिए भी, श्री गोपाल सिंह कानपुर नगर से, श्री सूर्य प्रकाश कानपुर नगर से, केशव प्रसाद श्री हमीरपुर से, इन अन्नदाता किसानों को यहां पर सम्मानित किया गया। ऐसे ही बाजरा के लिए, कोदो के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी यहां पर कुछ अन्नदाता किसानों को सम्मानित किया गया है, जिसमें श्री हरिशंकर सिंह वाराणसी, श्री शरद कुमार सिंह बिजनौर, श्री कमला त्रिपाठी, श्रीमती कमला त्रिपाठी महोबा, इनको यहां पर सम्मानित किया गया है। और प्रदेश के अंदर हमारे एफपीओज भी अच्छी संख्या में कार्य कर रहे हैं। रामपुर का है, रामपुर कृषक उत्पादक संगठन, इनको पहला पुरस्कार मिला है। मिर्जापुर में नौ चेतना एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, ये मिर्जापुर का है। और शिवा एफपीसी, ये बहराइच का है, इन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिले हैं। औद्यानिक खेती में छोटे लाल मौर्य हैं, ये रायबरेली से हैं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बाराबंकी से हैं। और श्री रामकरण तिवारी,
इटावा से हैं, और इसी प्रकार से अन्य संरक्षित खेती में भी हमारे अन्नदाता किसानों को मेरठ, श्रावस्ती और मुजफ्फरनगर में के अन्नदाता किसानों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और पराली प्रबंधन के लिए भी जिन अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है उनको भी आज यहाँ पे सम्मान देने के साथ साथ यहाँ पर अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। साथ साथ मंडी समिति के द्वारा मंडी में सबसे अधिक कृषि उत्पादन के अपनी खेती से जो अन्न उत्पन्न होता है इसकी विक्री करने वाले किसानों को जो टोकन प्राप्त होता है उस आधार पर ऐसे 51 किसानों को ट्रैक्टर भी आज प्रदान किए गए हैं जिन्हें इससे पहले हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां किसान का सम्मान होता है, उसके परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन उन्हें नतमस्तक होकर के सम्मान देता है। और यह इसलिए क्योंकि आपका परिश्रम और पुरुषार्थ न केवल उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश को देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। आपके परिश्रम का परिणाम है कि हमने अपने कृषि विकास की दर को 9% तक पहुंचाया है, लेकिन इसको आने वाले समय में अगर हमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश को 2027-28 तक $1 trillion की इकोनॉमी बनना है तो हमें वर्तमान की विकास दर को इससे 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये संभावना है और इस संभावना को परंपरागत खेती के साथ साथ वेजिटेबल की खेती, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में भी और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी आप कार्य करेंगे। कल हम लोगों की लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फैसले किए हैं, खासतौर पर फैसला किया गया जैसे सरकार ने पहले कहा कि निजी ट्यूबवेल जितने भी लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर पहले थे उनको हम फ्री में बिजली की कार्रवाई देने की कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे उन किसानों पर एक बोझ अतिरिक्त कम किया जा सके। दूसरा, डीजल